अस्सलामुअलैकुम। एक हमारे दोस्त ने कमेंट करके हमें बताया है कि जैसे उनका ओवरलॉक का मशीन में है ना धागा छोड़ दे रही है, मतलब टाका छोड़ दे रही है, और छोड़ने के बाद है ना पीछे पीछे के हिस्सा में जाके धागा पकड़ ले रही है, और उसके बाद यहाँ से धागा टूट जा रही है। क्योंकि ओवरलॉक में ये तकलीफ़ ख़ास तौर पर होती है। वजह क्या है, यहाँ देखिए ये सुई का सेटिंग देखिए, पहले ये देख लीजिए, ये सुई हम दोनों को एक जैसा एक पॉइंट पे रखे हैं। अब इसको लास्ट करेंगे, ये पॉइंट को लास्ट करेंगे, लास्ट कर रहे तो पॉइंट आ रही है यहाँ, ये पॉइंट का होल दिख रहा है, तो सुई का पॉइंट है ना, इसको ऊपर नीचे करके ये जो रेड है, रेड अगर ये नीचे है तो आप इसको ऊपर कर लीजिए, इतना पे रख लीजिए। देखिए यहाँ पे ये धागा डाल रखे है, इतना दिख रहा है, मुश्किल से एक पॉइंट से आधा दिख रहा है, इतना पे सुई का सेटिंग रखिए। इतना पे अगर सुई का सेटिंग रखिएगा, पहला नंबर देख लीजिए धागा सही से जा रही है नहीं। अगर धागा का सही सेटिंग है तो आपको टाका नहीं देगी और सिलाई खींचेगी नहीं, धागा कभी नहीं पकड़ेगी। दूसरा क्या है कि अगर हम ये धागा कहीं पे अगर अटक रही है, ये धागा कहीं पे अगर आपको अटक जा रही है, या पीछे के हिस्सा से ये देख लीजिए, अगर ये सब जगह पे या आप बड़ा ऐसा रोल रखते हैं तो रोल से क्या धागा सप्लाई सही नहीं होती है, इससे भी धागा पकड़ती है और खींच लेती है। तो आप सबसे पहले आप ये धागा यहाँ से देखिए हल्का हल्का हाथ से खींचिए, देखिए ये ज़्यादा टाइट तो नहीं ना है, क्योंकि इधर का टाइट नहीं रहना चाहिए, ये धागा टाइट नहीं रहना चाहिए, इधर का बिल्कुल लूज रखिए और यहाँ का धागा लूज रखिए। अगर इसमें कचरा उचरा है तो हटा लीजिए, इसके अंदर कचरा उचरा जो भी फंसा हुआ है तो इसको साफ़ कर लीजिए, और देख लीजिए कि धागा का सेटिंग कैसा है। देखिए हमें ये पॉइंट में धागा डाले, फिर यहाँ से लेके नीचे झाल में से इसमें डालना चाहिए, इसमें नहीं डाला हुआ है, कुछ तकलीफ़ हो रही थी, धागा बहुत ज़्यादा खींच रहा था, इसकी वजह से इसको हटा दिया हो, और यहाँ से डायरेक्ट पहले मैं इसमें डाला, इसमें डाल के फिर नीचे वाले हिस्सा में डाला हो, ये देख लीजिए ये धागा अंदर से डाला गया है, फिर ये धागा ऊपर से डाला गया है, ठीक है, फिर ये धागा यहाँ पे आके मिलती है, दूसरा पॉइंट यहाँ रहता है, ये देख लीजिए कि अगर आप ऐसे हम हल्लू से ना कर रहे हैं, ये टाका पकड़ रही है, नहीं देख लीजिए, देखिए टाका पकड़ रही है, देखिए आप इस हिसाब से सेटिंग कर लीजिए, ये रेड है ना, रेड अगर ऊपर नीचा है तो सुई से पहले मिला के देखिए, इससे मिलता तो सही है, तो रेड को है ना इसको खोल के थोड़ा सा ऊपर नीचे कीजिए, रेड आपको यहाँ से खुलेगा, देखिए ये बोल्ट से रेड खुलेगा, ये बोल्ट को ढीला कीजिएगा तो रेड को ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ऊपर का धागा सेटिंग देख लीजिए, देखिए यहाँ से ये पॉइंट से ये झाल में लग के फिर यहाँ आया है, फिर यहाँ आया है, और ये भी हॉल है धागा का सेटिंग का है, लेकिन इसको मत लगाइएगा, इससे क्या है धागा ऊपर का बहुत खींचता है। और एक बात और है, इसको टाइट रखिए हमेशा, मेन धागा जो है ऊपर का इसको हमेशा टाइट रखिए, बाकी दो नीचे का झाल है वो ये झाल और ये झाल को ढीला रखिए, अगर इसको टाइट रखने से ज़्यादा अगर खींच रहा है धागा तो समझ जाइए, तो इसको हल्लू हल्लू ढीला कीजिए, लेकिन टाइट ही थोड़ा रहे, ये दोनों झाल से ये तीसरा झाल टाइट रहेगी। और पहला नंबर क्या कीजिए, ये प्लेट खोल लीजिए, ये दोनों नट को और ये दाब को ऊपर उठा के एक प्लेट को निकाल लीजिए, प्लेट को निकालने के बाद क्या कीजिए कि इसके प्लेट के अंदर कचरा रहता है, वो कचरा को साफ़ कर लीजिए, साफ़ करने के बाद देख लीजिए कि
कि प्लेट में कोई ऐसा बोल्ट तो ढीला तो नहीं है ना, क्योंकि प्लेट निकाले गए तो यहाँ पे का हिस्सा दिखेगा। कभी कभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, अब ये देखिए ये बोल्ट रहता है, कभी कभी ये बोल्ट और यहाँ पे ये धागा देखिए कि इस हॉल अंदर वाला हॉल में रहेगा, और ये यहाँ से अंदर वाला हॉल तक आया है, फिर इसका चेंज नहीं। फिर यहाँ ये जो बीच का जो रड है, ये रड से इधर आए यहाँ आया है, फिर यहाँ से इधर से धागा गया है। या देखिए हमारे ये ओवरलॉक में कभी कभी क्या होता है कि कचरा जितना है फंस जाती है। देखिए कचरा दिख रहा है आपको, ये कचरा की वजह से भी ओवरलॉक में तकलीफ देती है, सिलाई खींच के आती है फिनिशिंग नहीं देती है। तो इस तरह कचरा इसको निकाल लीजिए। और ये देखिए कभी कभी ये बोल्ट होता है, ये देख रहे हैं ये बोल्ट बाहर आ जाती है। मैं आपको इसको बाहर करके दिखाता हूँ, ये देखिए इतना बाहर आ गई है, ये फंसा हुआ रहता है, टाइट रहता है, जल्दी तो निकलता नहीं है लेकिन कभी कभी निकल जाती है। तो ये सब खुला हुआ तो नहीं है, क्योंकि खुला हुआ रहने की वजह से सेटिंग आउट हो जाती है, और ये सुई का सेटिंग जब तक सही जगह पे नहीं पहुंचती, आप गौर से देखिए, जब तक ये सही जगह पे नहीं पहुंचती है, और ये जो सुई है ना इसमें सट के रहेगी, बिल्कुल सटा नहीं रहेगा, थोड़ा हटा रहेगा। अब देखिए बस थोड़ा हटा रहेगा, ताकि ये जो धागा का बिलाई है ना ऊपर का सुई वाला एक खांच इसमें सुई के अंदर आ जाए, ये धागा का जो गोलाई है सुई उसी पे गिरे, तो इसमें सिलाई भी अच्छा देती है। देखिए हम सिलाई करके दिखाते हैं, और जो भाई साहब ने हमें कमेंट करके बताया, तो वो क्या है उनका शायद टाँका नहीं पकड़ती होगी, और ऊपर से ये जो ऊपर का जो सुई है ना, ये सुई में जो धागा है ना, ये उल्टा साइड घूम के इसमें गिढ़ा लग के और यहाँ से कपड़ा को खींच लेता होगा, ये धागा ऊपर ही का धागा खींचता है। तो ये सुई का सेटिंग है, सुई का सेटिंग कर लीजिए तो सही हो जाएगी। एक बार गौर से देखिए, सुकून से देखिए, सेटिंग ही मेल है, ये धागा का सेटिंग और सुई का सेटिंग आप ध्यान से देखिए, ये सुई का सेटिंग सबसे पहले, ये दो सुई का सेटिंग आपका मेल है, तीसरा का कोई ज़रूरत नहीं रहता है, थोड़ा भी आउट रहा तो उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन ये दो मेन सेटिंग है। कभी कभी क्या होता है कि ये देखिए बोल्ट, ये जो बोल्ट है यहाँ पे देखिए बोल्ट लगा हुआ है, दिख रहा है ये जो अंदर का वो दूसरा नंबर का जो सुई है, ये बोल्ट कभी खुल के अगर ढीला हो जाए, देखिए तो हिल नहीं रहा है, ढीला हो जाए तो सेटिंग आउट हो जाती है। तो पहले ये बोल्ट को देखिए, ये बोल्ट को टाइट कर लीजिए, अगर ये बोल्ट यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, ये सुई यहाँ तक नहीं पहुँच रही है, देखिए कम से कम ये है 1-2-3 पॉइंट के करीब में होगा, 3-3.5 पॉइंट के करीब बाहर निकलेगा, और फिर उसका ठीक है आप देख लीजिए, अगर इससे भी नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और या हो सके तो आप सिलाई कैसा दे रही है तो आप इसी तरह यहाँ से फ़ोटो खींच सकते हैं, सिलाई कैसा दे रही है फ़ोटो खींच के डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, उस ईमेल में फ़ोटो डाल के भेज दीजिए, तो उसका तरीका मैं बता दूंगा, नहीं तो मेरे अंदाज से आप जितना मैं बताया हो उतना करने से सही हो जाएगा, ताकि ओवरलॉक में यही दो तकलीफ़ होती है,
जैसा आपने बताया है धागा को, ऐसा यहाँ पे धागा गीढ़ा लग जाती है, पीछे जाके खींच लेता है कपड़ा। ओवरलॉक में खास यही तकलीफ होता है, दूसरा ख़राबी नहीं होता ओवरलॉक में। कभी कभी क्या होता है, ये कपड़ा को खींचता नहीं है। कपड़ा हम सिलाई चलाते हैं, बहुत महंगी चलती है, तो दांत के ख़राबी की वजह से होती है। तो फिलहाल भी आप जो जितना हमें बताया है तो आपका यहाँ से सही हो जाएगा। ये दो का सेटिंग कीजिए, धागा का सेटिंग कीजिएगा। ये देखिए ऐसे खींच के देखिए कि धागा कहीं पे रुक तो नहीं रहा है, ऐसे करके खींच के देखिए धागा तो रुक तो नहीं रहा है। ये थोड़ा ऊपर का धागा टाइट है, धागा कहीं पर फंसना नहीं चाहिए। ज़रा भी अगर थोड़ा भी फंस के चलेगा ना तो आपका टाका भी छोड़ेगी और सिलाई बराबर नहीं देगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कोई भी सवाल है तो आपका हमें कमेंट करके बताइए, यकीन है कि मैं उसका तरीका दिखाऊंगा आपको।